सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, अगेन सर मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ एक और नया ब्रांड न्यू वीडियो। अभी गाइस, अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने लास्ट दिन के वीडियो के अंदर ही बताया था कि मैं फौजी गेम का जो पूरा गेम प्ले है वो बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर हम लोग पूरा फौजी गेम का गेम प्ले देखने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे जैसे अगर आप लोग भी जानते हो, फौजी बेसिकली एक स्टोरी मोड गेम है। तो गाइस, इस गेम को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था लास्ट दिन ही। अभी गाइस, फिलहाल के लिए गेम के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन है एंड इसी के साथ चार चैप्टर्स हैं। वैसे तो गाइस, ट्रेनिंग सेशन को मैंने लास्ट दिन के वीडियो के अंदर ही आप लोगों को दिखा दिया था। तो यहाँ पे हम लोग चार चैप्टर्स को देखने वाले हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर देना, काफी हेल्प मिलेगी अगर आप लोग वीडियो को शेयर करोगे तो डेफिनेटली यार शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगेन से गाइस, अगर आप लोग अभी हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। एंड गाइस, यहाँ पे ये जो गेम है इसके बारे में अगर आप लोग को थोड़ा और डिटेल्स जानना है तो डेफिनेटली गाइस आप लोग जाके हमारे लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगा। तो गाइस यार, आप लोग गेम प्ले को बिल्कुल एंड तक एंजॉय करो एंड मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को गेम प्ले कैसा लगा। मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय। बस घर भेज देंगे। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं। और घुस बैठिए, ये यहां क्या कर रहे हैं? मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। तो हो जाए। एक और कैंप, ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं? तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है? यू थिंक यू विल लास्ट लॉन्गर देन योर फ्रेंड्स? तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। नो मोर प्लेइंग सोल्जर। नो मोर प्लेइंग सोल्जर।
मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। बॉर्डर अब नजदीक ही है, मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे। मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता। You think you will last longer than your friends? Not such an elite commander after all. LAC की गलत तरफ एक कैंप, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एस्ट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया, उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया, रवि ने कहा। रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि, निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं, पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे, पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। लगता है आज मुझे LAC के उस पार जाना होगा। एक आखिरी कोशिश और फिर हम सब घर जा सकते हैं। Ugh!
वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे छुपकर नहीं रह सकते। भाइयों को बचाना मेरा फर्ज है और उन्हें पकड़ने वालों को मारना मजा। मैं करीब पहुंच रहा हूं, वो डर कर भाग रहे हैं। एलएसए के इस पार आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब बस यही अंत है।
मेरे देश और भाइयों के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूँ। मुझे तो लगा कोई नहीं आएगा। निडर और एकजुट, भूलना मत अहमद। बस एक काम करना बाकी है, इसे इसकी सही जगह पहुंचाना है। रवि, करण, सुनील और जावेद के लिए, वो इसे घर वापस पहुंचाने के लिए शहीद हुए। सर, आज आपने मेरी जान बचाई है। समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे शुक्रिया मत कहो अहमद, फौजी यही तो करते हैं। जहां भी भारतीय ध्वज लहराता है वहां हम अपनों की हिफाजत करते हैं। मुझे गर्व है मैंने आपके साथ इस देश की सेवा की है सर। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है।